देवगांव कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात सूचना के आधार पर दो स्थान से 250 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ यानी पटाखा बरामद करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में दशहरे के पर्व को देखते हुए रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज के वार्ड नंबर 10 में रूट मार्च के दौरान सूचना पर पुलिस ने दो दुकानों से 250 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ यानी पटाखा बरामद किया। पुलिस ने इनकी बिक्री में लगे दो लोगों को गिरफ्तार किया है और देवगांव कोतवाली ले आई है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के अनुसार गोला बाजार में दुकान के बाहर पटाखे रखकर बेचे जा रहे थे। पुलिस ने इस दौरान 250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की है। साथ ही इसकी बिक्री करने वाले सुजीत जायसवाल और धनेश्वर जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें, आगामी दशहरा, दीपावली और अन्य पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर डीएम नवनीत सिंह चहल और एसपी हेमराज मीना द्वारा नगर क्षेत्र में पैदल रूट मार्च किया गया। इस दौरान उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। आगामी दशहरा और दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम और एसपी ने बुधवार की शाम नगर में फोर्स के साथ रूट मार्च भी किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पूजा पंडालों में पहुंचकर वहां शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं इसका जायजा लिया। उन्हें निर्देशित किया गया कि पूजा पंडाल में पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। जिन रास्तों से प्रतिमाओं का विसर्जन होना है उन रास्तों की हालत कैसी है इसका भी निरीक्षण किया गया। दोनों अधिकारियों ने लोगों से सकुशल त्यौहार मनाने की अपील की। एसपी ने किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने की बात कही। पूरा मामला क्या है और पुलिस ने अब तक क्या अपडेट है? थाना देवगांव क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में गोला बाजार लगता है। यहां पर दो व्यक्तियों के द्वारा बाजार वाले क्षेत्र में, जो रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पर पटाखे रखे हुए थे जिसका वजन लगभग 250 किलो है। यह रिहायशी इलाके से बरामद हुआ है और इसमें दो लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी हुई है, जिसमें एक का नाम सुजीत जायसवाल और दूसरे का धनेश्वर जायसवाल है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और शीघ्र ही इन्हें रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस के द्वारा ये चेकिंग लगातार चलती रहेगी और कहीं भी अगर रिहायशी इलाके में अगर पाया जाता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। सर, जिस प्रकार से इतना बड़ा संचालन हो रहा था, क्या इसको कानून खबर पुलिस को थी इसके पहले से या फिर आसपास के इलाके में? उच्च अधिकारियों के निर्देश पे ये अभियान चलाया जा रहा था कि कहीं पे भी विस्फोटक सामग्री रिहायशी इलाकों में ना रखी जाए, तो सभी की यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली। इस पुलिस के द्वारा संकलित सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई। सर, ये अभी पूरे जनपद में इस तरीके से? ये पूरी जनपद में ये कार्रवाई की जा रही है, सभी जगह चेक किया जा रहा है सभी अधिकारियों के द्वारा और कहीं पे भी अगर पाया जाएगा तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।